अगला क्वेश्चन समझो, कालिदास की कौन सी रचना है, आपको ये बातें बता देनी है, ध्यान से समझिएगा। कालिदास की इनमें से कौन सी रचना आपको बताना है बुआ, कालिदास की कौन सी रचना है, समझिए ध्यान से। देखो कालिदास, कालिदास का नाम सुने होंगे ना, कालिदास की बहुत सारी कविताएं भी है, आप पढ़े होंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना कोए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सुने ना बाबू, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना कोए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देखो वो कहने का मतलब क्या है कि इंसान कितना भी पढ़ ले, कितना ही किताब पढ़ ले, वो ज्ञानवान नहीं होगा जब तक वो डेढ़ अक्षर के प्रेम की भाषा नहीं समझेगा, जब तक वो प्रेम करना नहीं सीखेगा। आजकल के लोग प्रेम करना नहीं, ईर्ष्या करना सीखते हैं। ईर्ष्या दूसरे से जलना मतलब बढ़िया से जानते हैं यहाँ के लोग जो बता रहे, समझ में आ रही है बुआ। देखो तो हम लोग जान रहे थे कालिदास के बारे में, जान रहे कालिदास कैसे एक विद्वान व्यक्ति बन गया, ठीक है। अब देखो कालिदास के पत्नी का नाम जानते क्या था, सरस्वती था। कालिदास कोई बड़े विद्वान नहीं थे, बुड़बक थे, अनपढ़ गवार थे। एक बार इनकी घटना बता रहा हूँ कि होता क्या कि इनकी पत्नी जो थी ना, इनको मार के भगा दी कालिदास की, सरस्वती नाम था पत्नी का, कालिदास की पत्नी मार के भगा दी, ले ससुरी, मतलब मर मर के कालिदास को गेट से बाहर निकाल दी, क्योंकि भाई काले भी थे और अनपढ़ गवार भी थे, समझ में आ रही है। तो जब इनकी पत्नी सरस्वती इनको धक्का मार के निकाल दी, तो कालिदास के मुंह जुबान पर बस एक ही नाम था, सरस्वती सरस्वती सरस्वती, दो चार घंटा सरस्वती का नाम लेते रह गए। अब सरस्वती जी को लगा कि भाई करिए लड़का हमारा नाम काहे ले रहा है, सरस्वती जी को वही लगा। तो भाई कालिदास सरस्वती जी का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि अपनी पत्नी सरस्वती का नाम ले रहे थे। अब सरस्वती मैया को लगा कि नहीं हमको जाना ही पड़ेगा, कई घंटा से तपस्या कर रहा है। सरस्वती मैया प्रकट हो जाती है और बोलती है मांगो वर से, क्या आपको मांगना है। कालिदास मांग लेते हैं कि हमको विद्वान बना दीजिए। सरस्वती जी बोलती है कि जाओ आज रात भर के अंदर में तुम जितना किताब पलट लोगे ना, उतना किताब का विद्वान हो जाओगे। ये भी बेचारे चलाक जाते हैं, पूरा किताबें पलट देते हैं, लाइब्रेरी में घुस के पूरा किताब पलट देते हैं, सारा ज्ञान इनके दिमाग में हो चला जाता है और उसी समय से ये विद्वान व्यक्ति बन जाते हैं। तो इनके सक्सेस के पीछे इनका हाथ था, इनकी पत्नी का हाथ था, थे काले लेकिन पूरी दुनिया को मतलब अपने ज्ञान से अपने विचार से रोशन क्या कहें रोशनमय करके गए हैं, समझ में आ। इसी कारण से याद रखना, कोई हाइट मायने नहीं रखता है, सुंदरता मायने नहीं रखता है, इंसान का ज्ञान, इंसान का विचार, इंसान का थिंकिंग, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। गोरा करिया से कोई मतलब नहीं इस दुनिया में, समझ में आ रही ना बुआ। आप आमिर खान का नाम सुने हैं, समझ में आ रही है, उसकी हाइट कोई बड़ी नहीं है, फिल्म में देखते होंगे इतना हाइट दिखा दिया जाता है, रियल में आप देखेंगे उनकी कोई हाइट नहीं है आमिर खान का, लेकिन देखो दुनिया का सबसे फेमस हीरो बन के बैठा है। तो चलिए, तो कालिदास के बारे में समझिए, कालिदास कौन सा पुस्तक, रघुवंशम, मेघदूत, ये सब कालिदास की लिखी हुई थी। तो रामायण, रघुवंशम, गीत गोविंद, हर्ष चैत्य, तो रघुवंशम महाकाव्य किनकी रचना है, कालिदास की रचना है।